डायनेमिक एंड रीयूजेबल कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट तो हमने बना लिए, सही है, कंपोनेंट हमने बना लिए हैं, और अब कंपोनेंट जैसा कि हमने जिक्र किया था, होता क्या है, एक बड़ी मशीन का कोई छोटा पार्ट जो कि अपने आप में कंप्लीट मशीन हो, ठीक है, उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली कंपोनेंट जो होता है वो रीयूजेबल होता है बाय डिफॉल्ट, बाय डेफिनेशन कंपोनेंट होता ही रीयूजेबल है, कि भाई मोबाइल फ़ोन की बैटरी है तो वो क्या है, वो रीयूजेबल है, कि अगर मिसाल के तौर पे एक फ़ोन से उसको निकाल दिया मैंने तो वो यूज़लेस नहीं हो गई, वो किसी दूसरे फ़ोन में उसी स्लॉट में लग जाएगी, ठीक है। तो एक ही चीज़ होती है, उसको आप दूसरी जगह पे रीयूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई लैपटॉप है, लैपटॉप में रैम होती है लगी हुई, तो अगर वो लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई है तो वो रैम स्टिल उसको निकाल के आप किसी दूसरे में लगा सकते हैं। तो ये एसी वगैरह भी जो होते हैं जब ख़राब हो जाते हैं तो ये स्क्रैप में जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करते हैं और अलग से सेल कर देते हैं, तो वो फिर रीयूज़ हो जाता है। तो रीयूजेबल तो बाई डेफिनेशन कंपोनेंट होता ही है, अगर वो रीयूजेबल नहीं है तो वो कंपोनेंट की डेफिनेशन से ही बाहर हो जाएगा। डायनेमिक कंपोनेंट कैसे हो सकता है? डायनेमिक वो ऐसे होगा कि हर दफ़ा वो आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली वो बिहेव करेगा, फिक्स नहीं होगा उसका बिहेवियर जो है वो फिक्स नहीं होगा, वो डायनेमिक होगा। मिसाल के तौर पे एसी जो है वो अगर आप उसको ऑटो पे लगा दें, जो क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन होता है, गाड़ियों में भी होता है, गाड़ी के एसी में भी होता है और घर वाले में भी होता है, आप उसको ऑटो पे कर देते हैं तो वो क्लाइमेट कंट्रोल खुद से डिसाइड करता है, वो खुद से देखता है कि जो एयर इन हो रही है उसका क्या टेम्परेचर है, और वो डायनेमिकली अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करता है खुद से, ठीक है। इसमें पीछे पूरी मैथ लगाई हुई होती है उन्होंने, वो कैसे चल रहे हैं वो। तो ये बिहेवियर जो है ना वो डायनेमिक है। एक तो होता है मैं हाथ से फिक्स कर दूँ कि भाई 22 डिग्री आपने सेट करना है, दैट्स इट, उससे ऊपर नीचे नहीं होना, एक वो डायनेमिकली खुद से करना होता है, ठीक है। तो डायनेमिक का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हर दफ़ा अलग अलग तरीके से हो, यानी मिसाल के तौर पर एक ही कंपोनेंट है, जब मैं उसको एक दफ़ा रेंडर करूँ तो उसमें कुछ और लिखा हुआ है, अगली दफ़ा करूँ तो कुछ और लिखा हुआ है, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है, या कोई डेटाबेस से उठ के आ रहा हो, कुछ ऐसा सीन हो रहा हो। तो देखते हैं जी क्या है। लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेप बिफोर वी टॉक अबाउट हाउ टू डू दिस इन रिएक्ट, यानी कि हाउ टू मेक डायनेमिक कंपोनेंट। लेट्स लुक एट हाउ दिस विद प्लेन जावास्क्रिप्ट। दिस माइट सीम अ बिट बेसिक, दिस इज बेयर विद मी। कह रहे हैं कि यार हम ना पहले देखते हैं ये प्लेन जावास्क्रिप्ट में ये काम कैसे करते हैं, अभी रिएक्ट को साइड पे करके, अगर यही काम हम प्लेन जावास्क्रिप्ट में करते हैं तो हम वो कैसे करते हैं। इसने कहा आप इमेजिन करें एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है हाई डेव हर दफ़ा। अब आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर एक पैरामीटर ले लेते हैं, और अब आप क्या करते हैं रिटर्न के साथ ना हाई और वो पैरामीटर में जो नेम आया वो देते हैं। तो अब क्या हो गया, ये फंक्शन डायनेमिक हो गया। अब आप जो पैरामीटर देंगे उसके अकॉर्डिंग ये रिटर्न कर रहा होगा, फिक्स वैल्यू अब इसकी नहीं रहेगी। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई नाउ यू कैन ग्रीट एनी वन यू वॉन्ट बाई कॉलिंग ग्रीट फंक्शन। कह रहे हैं कि आप किसी का भी नाम लगा के देंगे वो हो जाएगा। अच्छा, यूजिंग प्रॉप्स एज आर्ग्यूमेंट टू अ रिएक्ट कंपोनेंट। इफ़ यू वॉन्ट टू कस्टमाइज अ रिएक्ट कंपोनेंट इन द सेम वे द प्रिंसिपल इज द सेम। कह रहे बिल्कुल यही होगा, रिएक्ट का कंपोनेंट भी तो एक फंक्शन है इन रियलिटी, तो उसमें भी क्या करेंगे हम पैरामीटर दे देंगे, जो पैरामीटर देंगे वही डिस्प्ले होगा। जी नहीं, ये तो प्लेन जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं ना, अभी कंपोनेंट में ये कैपिटल कर देगा। देखो ये कंपोनेंट आ गया ना, अभी यहाँ पे देखो कैपिटल कर दिया इसमें। तो लेट्स चेंज हाई कंपोनेंट। अच्छा ठीक है, अब इसमें देखो हाई फंक्शन नहीं लिखा, हाई कंपोनेंट लिखा, क्योंकि ये फंक्शन तो है लेकिन एक्चुअल में अब ये कंपोनेंट बिहेव कर रहा है, ठीक है जी। तो इसने बोला कि भाई ये हाई का फंक्शन आ गया, जो पहले हाई का कंपोनेंट आ गया जो पहले हम लिख चुके हैं। कह रहे हैं कि इसमें अब एक पैरामीटर ऐड कर देते हैं प्रॉप के नाम से, ठीक है। अच्छा, और क्या करते हैं, हेलो के आगे लगा देते हैं प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है। अच्छा, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? वेल, एट फर्स्ट इट इज जस्ट रेंडर हेलो बिकॉज वी आर नॉट पासिंग द नेम येट। कह रहे हैं कि ये जब आप लिखेंगे, आके लिख के देख लेते हैं, इसको NPM स्टार्ट कर देता हूँ पहले तो मैं, भाई क्या आके चला दिया मैंने। अच्छा, ये जो हेलो मलिक लिखा हुआ है यहाँ पे,
इसमें मैं क्या कर देता हूँ आगे, मलिक को हटा के मैंने कहा props dot name. props dot name और यहाँ पे मैंने props को इन कर दिया. अब ये कह रहा है कि ये जब आप लिखेंगे ना तो आपको सिर्फ हेलो ही लिखा हुआ नजर आएगा, इस जगह पे कुछ आएगा ही नहीं. ठीक है, ये देखो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा उसने बताया था, सिर्फ हेलो लिखा हुआ आ गया. कह रहा है ये क्योंकि अभी हमने प्रॉप डिस्प्ले तो करवा दिया लेकिन पास नहीं किया उसको. व्हेन रिएक्ट रेंडर अ कंपोनेंट इट पासिस कंपोनेंट्स प्रॉप्स शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज. प्रॉप्स का मतलब प्रॉपर्टीज. एट इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज एन ऑब्जेक्ट. ठीक हो गया जी, ऐसे करके मिलता है. अब कह रहे हैं पास कैसे करेंगे वो भी देख लें. ये हाई का कंपोनेंट पहले ऐसे रेंडर करवाते थे हम, अब इसको प्रॉप्स के साथ रेंडर करवाएंगे. एट्रीब्यूट की तरह लग रहा है बिल्कुल. ठीक है, तो आके नेम करके मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा जो वो इधर डिस्प्ले हो जाएगा. तो मैं डिस्प्ले करवाते हुए मैं बोलूँगा नेम इक्वल्स टू जॉन. तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये प्रॉप्स के अंदर ना डॉट नेम मुझे मिल जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. ठीक है, जॉन मिल गया. अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, एलिस कर देता हूँ. तो ये फिर क्या होगा, एलिस के नाम से रेंडर हो जाएगा. अच्छा, अगर मैं नेम की जगह इसको यहाँ पे नेम ना दूँ, अगर एज अगर दे दूँ इसको 30, ठीक है, तो नेम में इसको कुछ नहीं मिला. ऑन अदर हैंड एज वहाँ पर पहुँची है लेकिन उसको मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया. तो मैं क्या करता हूँ, एज भी डिस्प्ले करवा देता हूँ. मैंने कहा कि भाई props dot age. सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज डिस्प्ले हो जाएगा 30. अच्छा, मैं क्या करता हूँ, नेम और एज दोनों दे देता हूँ. नेम एलिस, एज 30. एज यहाँ प्रिंट हो गई, नेम यहाँ प्रिंट हो गया, दोनों आ गया लिखा हुआ. सही है, लाइक दैट. अच्छा, पासिंग prop इज वेरी सिमिलर टू सेटिंग एट्रीब्यूट्स ऑन एन HTML टैग. तो हियर इज द कूल थिंग अबाउट props. यू कैन पास वट एवर यू वॉन्ट इन टू देम, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रिंग्स. HTML में वो कहता है कि भाई एट्रीब्यूट में ना सिर्फ आप स्ट्रिंग वैल्यू ही दे सकते हैं, कुछ और नहीं दे सकते आप. ठीक है, किसी भी किस्म का एट्रीब्यूट होगा उसमें स्ट्रिंग पास होगा. अच्छा, और ट्राइंग टू गैस What will it do? Cuff Angular 1. सही है, ये Angular 1 में ये होता था कि आप इसी तरह का एट्रीब्यूट पास करते थे तो सम टाइम वो नंबर मिलता था, सम टाइम वो स्ट्रिंग मिलता था. ठीक है, तो उसने उस पर थोड़ा तंज भी मार दिया लगे हाथों. ठीक है, रिमेंबर अर्लियर एंड 30 seconds अगो हाउ वी पुट JavaScript एक्सप्रेशन इन साइड द सिंगल braces. वेल, यू कैन डू द सेम थिंग विद द prop value. कह रहे हैं कि प्रॉप में ना अभी तो हमने पास किया स्ट्रिंग, अभी तो ये दोनों स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे जो है ना मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे करके ना ये भी कर सकता हूँ. तो अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एज के अगेंस्ट एक नंबर पास कर रहा हूँ. ठीक है, ऐसे करके. ठीक है, ऐसे करके मैं बूलियन भी पास कर सकता हूँ, ऐसे करके मैं फंक्शन भी पास कर सकता हूँ. पूरा फंक्शन, फंक्शन का नाम है ये, डिक्लेयर हुआ होगा कहीं ना कहीं. ऑप्शंस करके मैं जेसन या जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ. ठीक है, तो पहला जो ब्रैकेट है ये किसका है, ये एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेशन है, और ये दूसरा जो है ये जेसन का ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट है. तो ऐसे करके मैं जेसन भी, तो मैं किसी भी किस्म का डेटा टाइप यहाँ पे पास कर सकता हूँ. ठीक है, अच्छा, उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब यहाँ से मैंने 30 पास किया है न्यूमेरिक वैल्यू में, तो इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्लस 11 मैंने प्लस कर दिया या माइनस कर दिया मैंने उसको. ठीक है, माइनस कर सकता हूँ मैं, तो डायरेक्ट वो माइनस हो जाएगा. ठीक है, 19 हो गया. ठीक है, ऑन अदर एंड अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता है इसको तो ये इसको पता नहीं चलता. अच्छा, माइनस में तो वो कन्वर्ट कर लेता है ना, प्लस में कॉनकैटिनेट हो जाता है. ठीक है, 3011 हो गया. तो स्ट्रिंग में और नंबर में ये डिफरेंस है. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो डेटा टाइप आपको चाहिए होगी ना वो डेटा टाइप पास करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग ही पास करें हर दफ़ा. अच्छा, ये वाली बात आ गई. अब यहाँ पे आपको शायद सोचने में आ रहा हो
यार ये क्या बकवास है, ये वो क्या रहा है, कंपोनेंट है उसमें हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वही डिस्प्ले हो जा रहा है। ये हो रहा है जावास्क्रिप्ट में भी है, लेकिन ये सेंस नहीं बन रहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम होल्ड ऑन करते हैं और हम इसको सोचने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली ये अप्रोच हमें हेल्प करेगी कहाँ पे, ठीक है, ये अप्रोच हमें हेल्प करेगी कहाँ पे। इसको समझने के लिए ना मुझे क्या करना होगा, इस हाई के कंपोनेंट को ना दो दफ़ा रेंडर करना होगा। इस हाई के कंपोनेंट को दो दफ़ा रेंडर में कैसे करवा सकता हूँ, मैंने इसको कट किया है यहाँ से, मैंने कहा भाई एक डिफ बनाओ यहाँ पे, सही है, यहाँ डिफ भी तो करवा सकता हूँ, और मैं बोलूँगा कि एक ये कंपोनेंट करो एक ये करो, दो दफ़ा रेंडर करवा दिया मैंने, सही है। अच्छा एक में मैंने दे दिया नेम जॉन, जॉन जो है वो थोड़ा 22 साल का, तो अब ये हाई का कंपोनेंट दो दफ़ा रेंडर हो गया, ठीक है, देखते हैं स्क्रीन पे, ये देखो दो दफ़ा रेंडर हो गया, सही है, हाई का कंपोनेंट दो दफ़ा रेंडर हो गया। अच्छा अब ये हाई का जो कंपोनेंट है इसको मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देता हूँ, क्लास नेम पोस्ट, सही है, क्लास नेम दे दिया पोस्ट मैंने, अब जाके ज़रा सी एस एस में थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं उसको। मैंने कहा भाई डॉट पोस्ट जो है ना उस पर क्या हो जाए, बॉर्डर आ जाए 1 pixel सॉलिड ब्लैक, ठीक है, और इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो क्या हो जाए 10 pixel हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मार्जिन 10 pixel और पैडिंग 20 pixel, सही है। ठीक है अभी मैं अभी असल में मैं पॉइंट पे आता हूँ कि ये मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा फिर मैं आता हूँ और फिर मैं आके क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे एक डिफ बनाओ, अरे यार एक तो ऑटोमेटिक, अच्छा ये ऑटोमेटिक जो सजेशन नहीं आ रही ना इसका एक हल है कि जे एस को ना मैं चेंज करके जे एस एक्स करूँगा ना तो ये सजेशन देने लग जाएगा मुझे, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर लिखूँगा ना डिफ, तो ये अब सही इज्जत से करेगा डिफ वेल, तो मैं इसको बोलता हूँ कि एच टू, सही है, मैंने कहा ये पोस्ट के नाम से जो मेरे पास डिव है ना इसके अंदर एच टू हो एक, और एच टू में क्या लिखा हुआ है जो प्रॉप्स डॉट नेम है ना जो वो यहाँ लिखा हुआ है, इधर से हटा दिया मैंने, सही है, यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा एच टू के ऊपर मुझे शायद कोई स्टाइलिंग लगाने की जरूरत नहीं है, कौन सा डिव लिख नहीं तो उससे मसला क्या है, उसको सही हो गया, वो दी नहीं जे एस एक्स करने से कोई मसला तो नहीं था, सही है, वो कुछ समझ नहीं आया होगा उसको वेल। अच्छा जो एच टू में नाम लिखा हुआ गया उसके बाद मैंने कहा भाई ये का तो इमेज आ जाए, कौन सा हेलो नहीं लिखा, देख लेते हैं इसको इंस्पेक्ट करके पता चल जाएगा क्या है, कैन नॉट रिजॉल्व, अच्छा इंडेक्स डॉट जे एस कहीं पर इन्होंने लगाया है, वो असल में कहाँ लगाया है इन्होंने, नहीं यार इसको मुझे जे एस ही रखना पड़ेगा एक्चुअली, सही है, जे एस इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये पब्लिक के फोल्डर में ना ये अटैच हुआ है यहाँ पर, तो वहाँ जे एस के नाम से अटैच हुआ है, इसके बाद हम जो फाइलें बनाएंगे ना वो जे एस एक्स करके बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, फिलहाल अभी इसको ऐसे रखते हैं। अच्छा मैंने कहा भाई जॉन ही है, और मैंने कहा इसके नीचे पिक्सल ये पिक्चर बनी हुई आ जाए, ठीक है, और मैंने क्या बोला उसके नीचे कि यार यहाँ पे ना क्या बने हुआ आ जाए, मैंने कहा ये पिक्चर का जो SRC है ना वो भी मैं कहाँ से लूँगा, वो अब मैं लूँगा यूज़र से, और मतलब प्रॉप्स के अंदर लूँगा मैं वो एक्चुअली, सही है, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे क्या आ जाए प्रॉप्स डॉट SRC या props dot image आ जाए, सही है, image URL कर देता हूँ उसको, बेटर रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ से जो एज देता था, चलो एज एज की ज़रूरत नहीं है वैसे मुझे, एज मैंने हटा दिया ना डिस्प्ले में से, मैंने कहा भाई image URL equals to
और ऐसे स्ट्रिंग करके मैंने ये URL पास कर दिया। सही है, दोनों में फिलहाल के लिए मैं सेम URL पास करता हूँ, दोनों में फिलहाल के लिए सेम URL पास कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में इस URL को, ठीक है, तो दो दफ़ा हुआ, नेम मिल गया मुझे, इमेज का URL मिल गया, ठीक है जी। और स्पैन एक लगा देता हूँ मैं यहाँ, और मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉप डॉट डेट आ जाएगा। सही है, और मैंने कहा भाई यहाँ पे ना एक अगर डेट भी दे दो, डेट मैं एक्चुअली ऑब्जेक्ट में दे सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं क्या दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, मैंने कहा भाई 1 January 2022। अच्छा भाई ये क्या बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कोई गैस कर सकता है? फेसबुक की पोस्ट बनती जा रही है एक्चुअली। सही है, लाइक और कमेंट और शेयर। सही है, यहाँ पे एक BR चाहिए था मुझे। सही है, काफ़ी वाहियात किस्म की ये फेसबुक की पोस्ट बनी है, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ बनी है। सही है, तो एक्चुअल में यही चीज़ें होती हैं जो एक फेसबुक के पोस्ट में आपको नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, ये जो डेट है इसके बाद भी एक BR लगेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है इसको समझ नहीं पा रहा है। सही है, डेट के बाद एक अदर BR लगेगा। सही है जी, तो ये अच्छा, ये जो रेड कलर का इसमें आउटलाइन आ रहा है इसकी मैं ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ। और इस डिव को मैं बैकग्राउंड कलर भी एक दे देता हूँ, जो कि थोड़ा सा वाइट से मिलता जुलता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बैकग्राउंड कलर ये वाइट है ना, तो मैं वाइट पे क्लिक करके इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा ग्रे सा कर देता हूँ, कुछ ये ब्लू के एक्सेंट पे जाता हूँ और थोड़ा सा ये वाला इसको कलर दे देता हूँ। सही है जी, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का, नहीं बहुत ज़्यादा डार्क हो गया ये, ठीक है, थोड़ा ब्राइट कर दिया मैंने। तो भाई ये काइंड ऑफ एक फेसबुक की पोस्ट जैसा कुछ बन गया है। यहाँ पे एक छोटा सा थंबनेल आ जाएगा बंदे का, और नीचे कुछ टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी लगा देता हूँ, बल्कि लगे आता हूँ। मैंने कहा भाई इमेज जो होगा, इमेज से पहले क्या होगा, एक अदर पैराग्राफ भी होगा, एक अदर पैराग्राफ होगा, ठीक है, और उस पैराग्राफ के अंदर जो पोस्ट का कॉन्टेंट होगा वो भी मैं क्या लूँगा, प्रॉप्स डॉट करके ले लूँगा, लिखूंगा प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने कहा H2 स्पैन BR पैराग्राफ इमेज और कुछ बटन्स वगैरह, ये सब मैंने लगा के, अच्छा अभी इसकी स्टाइलिंग मैंने कोई इतनी अच्छी नहीं की है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी की जा सकती है। और आपका पहला असाइनमेंट भी यही है कि आपने क्या करना है, ऐसा एक पेज तैयार करना है और इसको फेसबुक को रेप्लिकेट करना है आपने एक्चुअली। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं facebook.com पे जाके ये उठाता हूँ यहाँ से, और जो एक्चुअल पोस्ट है ना उनका डेटा मैं लेकर आ जाता हूँ। हाँ यार, इसमें तो कुछ वैसी ढंग की पोस्ट ही नहीं आई मेरे पास, खैर छोड़ो, ठीक है, मैं कहीं और से उठा लूँगा। इंस्टाग्राम में तो इमेजेस होती है ना ऐसी खतरनाक वाली होती है। मैं विकिपीडिया का एक पेज उठा लेता हूँ, वहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट उठा उठा के ले आता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये एक पैराग्राफ यहाँ से उठा लिया, जो मैं इसको मैं टेक्स्ट करके मुझे ये इनपुट दे रहा है ना, अच्छा उसको मल्टीपल लाइन में कर देता हूँ, क्योंकि एक लाइन वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। सही है, इसको मैं मल्टीपल लाइन में कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक कि ये क्लीन लगे। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट बनाना, मतलब द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ के ये
हो क्या रहा है वो सेंस ज़रा बन जाए कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, एक टेक्स्ट मैंने वहाँ से उठा लिया और इसी का ही अगला पैराग्राफ में दूसरे के टेक्स्ट में उठा लेता हूँ। ठीक है, तो ये दो टेक्स्ट आ गया, एक इमेज भी मुझे और चाहिए इसके अलावा। विंडोज करके मैं इमेज में गया और एक मैंने क्या उठा लिया यहाँ से, एक इमेज उठा ली। तो मैं एक का इमेज को जो है ना रिप्लेस मार देता हूँ ताकि इमेज भी अलग अलग हो जाए, तो कुछ इस तरह का बन चुका है अभी। सही है, विर्थ दे दी ना। अच्छा विर्थ, चलो यहाँ से कम कर देता हूँ विर्थ। ये लो पोस्ट पे आया और मैंने कहा कि भाई अपना विर्थ जो है वो क्या हो जाए इसकी 50%। तो ये तो मैं जितना भी जूम करूँगा ये 50% ही रहेगा। अब बताओ ऐसा क्या करूँ मैं कि जब थोड़ा जूम इन करूँ तो ये फुल हो जाए। इसकी मुझे एक मैक्स विड्थ बनानी पड़ेगी एक्चुअली। सही है, इसकी मुझे मैक्स विड्थ बनानी पड़ेगी और वो बतानी पड़ेगी मुझे पिक्सल में ताकि ये उससे ज़्यादा अपने आप को विड्थ में ना लेके जाए। तो मैंने कहा मैक्स विड्थ जो आपकी होगी ना वो 600 पिक्सल होगी। ठीक है, मैक्स विड्थ सही है। अब मैं जूम करूँगा तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा। समझ आया कैसे हुआ ये हम CSS में पढ़ चुके हैं, रिवाइज हो गया थोड़ा सा। अब मुझे इसको सेंटर में करने के लिए क्या करना होगा, फ्लैक्स बॉक्स जो पड़ा है उससे नहीं करोगे मार्शल जस्टिफाई कंटेंट इसी पे लगाऊं मैं, पेरेंट पे लगता है। अब इसका पेरेंट कौन है यहाँ के केस में, इसका पेरेंट ये डिव है, तो इस डिव पे मुझे एक क्लास नेम लगाऊंगा पेरेंट, राइट, और इसको मैं वहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स करवा दूंगा। मैं बोलूँगा डॉट पेरेंट, किसी भी नाम से हो सकता है क्लास, फिलहाल मैंने डॉट पेरेंट लगा दिया। मैंने कहा डिस्प्ले फ्लैक्स, तो ये ऑटोमेटिकली, अच्छा वो डिस्प्ले फ्लैक्स से वो यूं चला गया। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, क्या था वो फ्लैक्स डायरेक्शन, यस फ्लैक्स डायरेक्शन कौन है, तो ये वापस सीधा हुआ। अब मुझे इसको सेंटर करना है, जस्टिफाई कॉन्टेंट से हो जाएगा ये, अलाइन आइटम से होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो जस्टिफाई कॉन्टेंट अब इसको वर्टिकली करना शुरू हो जाएगा, अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, सेट हो गया, बीच में आ गया ये। तो काइंड ऑफ ये फेसबुक के पोस्ट की जैसी कोई चीज़ बन गई है। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था ना वो अभी तक नहीं मैंने बताया। वो पॉइंट ये है कि देखो अब ये जो कंपोनेंट है ना, अच्छा इस कंपोनेंट का नाम हाय था ना, इसका नाम आप क्या रख देता हूँ मैं, पोस्ट मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये कंपोनेंट का नाम पोस्ट है। अब इमेजिन करो कि मेरे पास जो है डेटाबेस में 200 पोस्ट हैं, डेटाबेस से 200 पोस्ट उठ कर आई मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं मैप चला के ना ये पोस्ट का ही कंपोनेंट मैं 200 दफ़ा प्रिंट करवाऊँगा। ये जो पोस्ट का कंपोनेंट है ना मैं यही प्रिंट करवाऊँगा और हर दफ़ा इसका पैरामीटर चेंज कर करके दूँगा। जो फेसबुक की पोस्ट है एक्चुअली वो तो आप समझ ही गए, क्या फेसबुक में जो हम स्क्रॉल करते हैं तो हज़ारों पोस्ट आप देखते चले जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो क्या हर जो पोस्ट है वो अलग से HTML लिखा हुआ है उसका, नहीं, वो एक ही असल में कंपोनेंट है, वो खुद ही बार बार रिपीट हो क्या, समझ लो। इंस्टाग्राम में भी यही सीन है, सब जगह भी यही सीन है, तो वो बार बार एक ही कंपोनेंट होता है जो बार बार रिपीट हो क्या होता है। तो ये रीयूजेबल कंपोनेंट की ना बेहतरीन एग्जाम्पल है फेसबुक की पोस्ट। अब अगर मिसाल के तौर पर मुझे एक और पोस्ट चाहिए, हाँ हाँ यूट्यूब का जो प्लेयर है वो एक कंपोनेंट है ना, एक यूट्यूब की वीडियो प्ले करता हूँ मैं तो कंपोनेंट वही होता है प्लेयर का, उसका URL चेंज हो जाता है तो वो दूसरी वीडियो चलाने लग जाता है, तो एक ही कंपोनेंट है, एक ही दफ़ा बनता है। हाँ, जो साइड में सजेशन है वो एक कंपोनेंट है, वो हर वीडियो के साथ सजेशन अलग तरह के ला रहा होता है, अब वो कैसे कुछ ना कुछ होगा तरीका कैलकुलेट करता है उसको। ठीक है, नीचे जो कॉमेंट्स का बॉक्स दिख रहा होता है वो एक ही कंपोनेंट है, ठीक है, वो हर दफ़ा उसमें कमेंट अलग आते हैं, जो वीडियो चल रही है उसका कमेंट आता है। तो मुझे एक पोस्ट अगर और बनानी है ऐसी, तो मैं ये नहीं करूँगा कि मैं पूरी पोस्ट बनाऊँगा, मैं जस्ट इस कंपोनेंट को आके ना यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक है,
ये मैंने एक कंपोनेंट नया बना दिया, अब नीचे देखो क्या हुआ, वो एग्जैक्टली उसी तरह का बना हुआ आ गया। सही है। और जैसे जैसे मैं इसमें डेटा देता जाऊंगा इसको, ये उसको लेता जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई टेक्स्ट दे दो इसको, कुछ टेक्स्ट दे दिया मैंने, तो ये टेक्स्ट में डिस्प्ले हो गया। अगर जो चीज़ नहीं दी वो नहीं हुआ। इमेज यूआरएल में मैं कोई अब नई इमेज दे देता हूँ, जाहिर है वो तो अब डेटाबेस से मेरे पास 200 पोस्ट आई है, तो 200 की 200 पोस्ट में सब में अलग अलग टाइटल, अलग अलग इमेज, अलग अलग टेक्स्ट। तो ये हम बहुत जल्दी ये काम करके देखेंगे कि हम एक API कॉल करेंगे, जाहिर है सर्वर तो हम बना चुके हैं, और वो वहाँ से लाएंगे और यहाँ ला के हम डिस्प्ले करवा देंगे उसको। ठीक है, तो मैंने इमेज भी यहाँ पे इसको दे दिया जैसे ही, तो ये इमेज भी डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो ये कंपोनेंट रीयूजेबल हमारे हो गए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या टॉपिक है। आई होप कि ये बात समझ आई होगी आपको। नॉट एवरीथिंग एज अ स्ट्रिंग, कह रहे हैं भाई स्ट्रिंग करके पास करोगे तो अंदर भी स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेगा, ऐसे करके पास करोगे तो अंदर बूलियन के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अभी हमारे केस में हमने तमाम चीज़ों को स्ट्रिंग में पास किया हुआ है। ठीक है, लेकिन डेट को मैं ऑब्जेक्ट में पास कर सकता था, ठीक है, लेकिन किया नहीं मैंने फिलहाल। ठीक है, रिसीविंग प्रॉप। अब प्रॉप जो हमने रिसीव किया है उसको रिसीव करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। अभी हमने इस तरह से किया है कि भाई यहाँ पे प्रॉप लिखा हुआ है और प्रॉप डॉट फर्स्ट नेम, प्रॉप डॉट लास्ट नेम, ऐसे करके किया हमने। इसने बोला भाई आप क्या करो, ES6 वाला तरीका करो ना। ये एक्चुअली जिस चीज़ पे डॉट लगाते हैं वो चीज़ क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। तो ऑब्जेक्ट को हम ES6 में डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना, है ना, ऐसे करके अगर हम कर दें वो अंदर से डॉट नेम उठा के ले आता है, अलग वेरिएबल बना देता है। तो ये जस्ट एक ES6 का सिंटैक्स है जिसको हम क्या कहते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। डीस्ट्रक्चरिंग अगर किसी को क्लियर नहीं है तो अलग से आप उसको सर्च कर सकते हैं कि ये क्या है। वेल, दिस इज़ जस्ट अ बॉयलरप्लेट, आपको ऐसे ही लिखना है, हर दफ़ा इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग डीस्ट्रक्चरिंग की होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अभी मैं यही करने लगा हूँ, अभी मैं यही आगे करने लगा हूँ। हमारे पास क्या चीज़ है, नेम है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा नेम कॉमा और डेट कॉमा टेक्स्ट कॉमा इमेज URL। सही है। अब मैं जहाँ जहाँ प्रॉप लिखा हुआ है मैं प्रॉप हटा दूंगा इसमें से, तो मेरा कोड क्या हो गया, थोड़ा सा क्लीन हो गया। सही। और रिजल्ट इसका जो है वो सेम रहेगा। सही है, रिफ्रेश किया मैंने, रिजल्ट सेम है, कुछ एरर शो कर रहा है शायद ये, क्या कह रहे हैं। अच्छा, वो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर जो है ना वो पुराना हो गया कोड, असल में आर्टिकल का कोड हमने भी कॉपी किया ना, तो वो पुराना कोड है इसलिए ये एरर दे रहा है। वेल, अभी हम थोड़ी ही देर में एक नई रिएक्ट की ऐप बनाएंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप्स है, और फिर हम उसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे, तो ये एरर हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, ये हम देख भी लेंगे हम कि ये है क्या। ठीक है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर ना इस तरह नहीं होता, थोड़ा सा एक लाइन चेंज किया उन्होंने नए वाले रिएक्ट में। अच्छा, तो ये हमने कर लिया कि भाई इस तरह से ये रिट्रीव होगा। अच्छा, अब आगे देखो क्या बता रहा है ये, कह रहा है भाई ये जो फंक्शन बना हुआ है अभी जो हमारा, ये फंक्शन कौन सा वाला फंक्शन है, ये रेगुलर जो फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का वो है। कह रहा है कि अगर मैं इसको बना दूं ES6 का फंक्शन, तो अगर ES6 वाला फंक्शन बना दूं मैं तो कैसा रहेगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट पोस्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे आके एक फैट एरो लगा दूंगा, कॉन्स्ट की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। ठीक है, तो कह रहा है ES6 का फंक्शन बना देते हैं, दैट्स इट, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, ES6 का फंक्शन बना दिया भाई इसको हमने। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ना फंक्शन को बनाने के चार अलग अलग तरीके हैं, वो बता रहा है कि क्या है। अच्छा, ये ES6 में हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने फंक्शन पढ़ा था ना जावास्क्रिप्ट पढ़ते हुए, तो ये बातें हम पढ़ चुके थे, लेकिन फिर रिपीट हो रही है। इसने कहा भाई प्लेन फंक्शन ये होगा, ES6 का फंक्शन ये होगा जो हमने ऑलरेडी बना दिया, सॉरी ये एनोनिमस फंक्शन है, ये कीवर्ड से बनता है लेकिन इसका नाम नहीं होता, तो इसको मुझे किसी वेरिएबल में रखवाना पड़ता है, ये भी हम डिस्कस किया था हमने। अच्छा, हमने फिलहाल ये वाला बना दिया। कह रहे हैं कि अब सीन्स क्या है भाई, जब आपके पास ना एक लाइन में रिटर्न जब आप करते हैं तो आपको रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगाना पड़ता। तो इसने आप देखें, ये कर्ली ब्रैकेट हटा के ना यहाँ पे लगा दिए गोल ब्रैकेट, इसका मतलब है कि कोड एक ही लाइन का कोड, तो इसमें आपको रिटर्न का कीवर्ड नहीं चाहिए होता। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको गोल ब्रैकेट लगा देता हूँ, सही है, और नीचे भी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हटा के गोल ब्रैकेट लगा देता हूँ,
ठीक है, और रिटर्न का कीवर्ड अब मुझे चाहिए नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये काम मैं हर कंपोनेंट में नहीं कर सकता, वो अभी हमें पता चल जाएगा हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न से पहले भी कुछ कोड मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये काम मैं सिर्फ उसमें कर सकता हूँ जो कंपोनेंट डायरेक्ट JSX रिटर्न करता है, और ऐसा बहुत कम होता है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक हम कोड कर रहे हैं, अभी इसके आगे भी कुछ चीज़ें, तो ये काम मैं बहुत कम जगहों पर कर सकता हूँ, सब जगह मैं नहीं कर सकता ये काम। कह रहे हैं कि अगर आप इसको ना बिल्कुल ही एक लाइन में लिख रहे हैं तो ये गोल ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और अगर ये सिंगल है अगर पैरामीटर, तो इस गोल ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली पैरामीटर हमारे पास सिंगल ही है एक्चुअली, ठीक है। तो ये गोल ब्रैकेट भी हटा दूँ तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन खैर बहुत ज़्यादा इसको हम नेकेड नहीं करते, इसको हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है। रिजल्ट हमारा स्टिल क्या है, सेम है, लेकिन हमने उसकी कन्वर्जन कर ली है ES6 में, और जिससे हमने देखा कि हमारा कोड रिमार्केबली क्लीन हो गया। अब इसने योर टर्न दिया एक और, ठीक है। अब ये योर टर्न में क्या कह रहा है, राइट अ न्यू कंपोनेंट कॉल्ड मीडिया कार्ड दैट एक्सेप्ट 3 प्रॉप्स, टाइटल, बॉडी एंड इमेज URL। इनसाइड द कंपोनेंट रेंडर H2। अब ये एक्चुअली ये जो बता रहे हैं ना, ये एक फेसबुक की पोस्ट बनाना बता रहा है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बना के, सही है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, रेंडर द मीडिया कार्ड, ठीक है। कह रहा है मेक कंपोनेंट कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल बनाने के लिए कह रहे हैं। तो ये वाला तो आपने करना है एज इट इज़, जैसे ये बता रहा है, इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ के ये करना है आपने। उसके बाद जो असाइनमेंट है ना आपका, ठीक है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आएंगे वो बना के लेकर आएंगे आप, ठीक है। टाइम आपकी क्लास का हो गया, कंप्लीट हो गया। आपने क्या करना है, एक ऐसी ऐप बना के लानी है, एक ऐसी ऐप लाइक दिस, उसमें कम से कम 3-4 ऐसे पोस्ट आ रही हो फेसबुक की, और उसमें कंपोनेंट रीयूज होने चाहिए, और वो पोस्ट जितना आप उसको फेसबुक की पोस्ट से करीब तरीन बना सकें वो आपने बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप फेसबुक की ही पोस्ट बनाएं, इंस्टा वाली पोस्ट भी बना सकते हो, ठीक है, कोई लिंक्डइन की पोस्ट भी बना सकते हो, लेकिन आपकी थोड़ी सी CSS भी रिवाइज होगी उसमें, और क्या कहते हैं, ये आपके हाथ से आप एक रिएक्ट का कोड लिख लेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा भी फील होगा। उसकी होस्टिंग ज़रूर कर देना, क्योंकि बगैर होस्टिंग के एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कहीं पे भी करो, GitHub में करो, Firebase पे, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं है, किसी का सवाल है तो पूछ लो। GitHub में हो जाती है, लेकिन GitHub में इसको होस्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि GitHub ना देखता है रूट के ऊपर इंडेक्स की फाइल देखने जाता है वो, लेकिन हमारे केस में ये बिल्ड के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ट्रिकी है GitHub में होस्ट करना, वेल हो जाता है स्टिल। यहाँ पे एक आर्टिकल मैं आपको जिक्र कर देता हूँ, होस्टिंग रिएक्ट ऐप GitHub पेजेस, ये इन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया हुआ, एक खातून है, पता नहीं क्या करके नाम था उसका, नहीं मिल रहा है, पता नहीं नीचे चला गया कहीं वो, मीडियम का एक आर्टिकल था, कोई खातून थी, उन्होंने लिखा हुआ था, वो अच्छा लिखा हुआ था, मीडियम अटैच कर देता हूँ, हाउ टू डिप्लॉय रिएक्ट ऐप इनटू GitHub पेजेस, ये भी नहीं है भाई दर। वेल, आपने देखा कितने सारे आर्टिकल आ रहे हैं, तो कोई भी आर्टिकल फॉलो कर लीजिएगा, ऑब्वियसली वो सही ही बताया हुआ होगा, ठीक है। ये आर्टिकल वैसे सही है, इसने वो चीज़ें बताई भी हैं सारी, कि होम पेज जाके ना चेंज करना है उसमें, और ये सारी चीज़ें बताई भी हैं इसने, ठीक है। हाँ, ये पूरा स्क्रीनशॉट्स के साथ बताया हुआ है। तो ये हाउ टू डिप्लॉय रिएक्ट ऐप लिखेंगे तो ये इस फोटो के साथ आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये URL भी आपको, क्योंकि स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये URL आप हाथ से भी टाइप कर सकते हैं वर्स्ट केसेस में। तो वेल, कोशिश करें इसको आप इस पर ना करें। GitHub पेजेस पे हमने काफ़ी कर लिया डिप्लॉय, तो सर्ज एक है हमारे पास फ्री होस्टिंग, उस पर ट्राई करें, Netlify पे कर सकते हैं, Firebase होस्टिंग कर सकते हैं, SURGE
search.sh करके उसकी वेबसाइट होगी। सही है जी, अभी तक जितनी रिएक्ट पढ़ी हमने मुश्किल तो नहीं लगी थोड़ी? हलवा तो नहीं है, खैर हलवा होती तो फिर सभी कर लेते, तो खैर ठीक है जी, चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अच्छा तुम सेकंड टाइम पढ़ रहे हो ना इस वजह से।